अरे चिंटू और बंदर, तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले के बाहर एक नई केक की दुकान खुली है और उस दुकान पर अभी ऑफर में बहुत ही सस्ते केक मिल रहे हैं। अरे पिंकी, क्या तू सच बोल रही है? अरे हाँ चिंटू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अरे चिंटू और पिंकी, फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी से चलते हैं टेस्टी केक खाने के लिए। हाँ हाँ चलो चलो। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे केक हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि सारे केक अकेले ही खा जाऊँ। हाँ हाँ बंदर, बिल्कुल सही कहा तूने। अरे मुझे तो अब और नहीं रहा जा रहा, चलो अब केक खाते हैं फटाफट। हाँ चिंटू भाई, जल्दी खरीद केक। अरे अंकल, केक कितने के दिए आपने? केक कितने का है तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, ये केक बहुत ही सस्ते हैं। अरे अंकल, अगर ये केक बहुत ही सस्ते हैं, तो हम तीनों को एक एक केक दे दो फटाफट। अच्छा ठीक है, अभी देता हूँ। ये लो। अरे वाह, ये केक तो देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, चलो अब खा लेती हूँ इसे फटाफट। अरे वाह, कितना टेस्टी केक है, बिल्कुल मजा आ गया खाकर। ये टेस्टी केक खाकर तो मेरा पेट भर गया, चलो अब इन केक के पैसे दे देता हूँ। अरे अंकल, कितने पैसे हो गए इन सभी केक के? इन सभी केक के मिलाकर पूरे 6,000 रुपए हो गए। क्या 6,000 रुपए? अरे अंकल, आप तो कह रहे थे कि ये केक बहुत ही सस्ते हैं, तो आप इतने सारे पैसे क्यों ले रहे हो? लड़के, इस एक केक की कीमत 50,000 रुपए है और मैं एक केक का सिर्फ 2,000 रुपए ले रहा हूँ। चल अब जल्दी से पैसे निकाल इन केक के। अरे अंकल, मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है तू मेरे पैसे नहीं देगा, तो अब तुम सब मेरे कैद में आ जाओ। अरे ये तो भूतिया केक वाला है, इसने हमें कैद कर लिया। बंदर, तू क्यों भाग गया? तू भी आ जा मेरे कैद में। अरे ओए भूतिया केक वाले, तू मुझे पागल समझता है क्या जो मैं तेरे कैद में आ जाऊं? कोई बात नहीं बंदर, जब तक मेरे पैसे नहीं मिल जाएंगे तब तक ये दोनों मेरे कैद में ही रहेंगे। मुझे पिंकी और चिंटू को छुड़ाने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा। मेरा ये डंडा बहुत काम का है, अच्छो अच्छो का भूत छुड़ा देता है। चलो अब इस भूतिया केक वाले का भूत उतार देता हूँ अपने इस डंडे से। अरे बंदर, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। चल अब जल्दी से इन दोनों को अपने कैद से छोड़। अरे बंदर, मेरे पैसे तो दिला दे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा फिर से इलाज करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बंदर, मैं अभी इन दोनों को छोड़ता हूँ। मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से, वरना कहीं ये बंदर मेरी फिर से पिटाई ना कर दे। बंदर भाई, फ्री में केक खाकर तो बिल्कुल मजा ही आ गया। सही कहा चिंटू भाई तूने।